एक संत के तीन वचन। जहर के समान क्या चीज है, छुरी मारने के बराबर क्या है, नरक के तीन द्वार कौन से हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सज्जनों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण कहानी लेकर आया हूं, जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होगी। तो आइए अधिक विलंब ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है कि काशी में एक दिन एक सन्यासी जी गंगा स्नान करके घाट से ऊपर जा रहे थे। आपने देखा होगा कि भीड़ तो काशी में रहती ही है, उसी भीड़ में एक चांडाल चला आ रहा था। उसने सन्यासी जी से बचने का पूरा प्रयास किया, परंतु फिर भी उस चांडाल का वस्त्र उन सन्यासी जी से छू गया। अब तो यह देखकर सन्यासी जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत एक पत्थर उठाकर उस चांडाल को मारा और उसे डांटते हुए बोले, अरे धूर्त, अंधा हो गया है क्या? देखकर नहीं चल सकता? तेरे स्पर्श से मैं अपवित्र हो गया हूं, अब मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। सन्यासी जी की बात सुनकर चांडाल कहने लगा, भगवन, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। रही स्नान करने की बात, सो आप करें या ना करें, परंतु मुझे अवश्य स्नान करना पड़ेगा। चांडाल की बात सुनकर सन्यासी जी ने आश्चर्य से पूछा, अबे तुम्हें क्यों स्नान करना पड़ेगा? अपवित्र तो तूने मुझे कर दिया है। चांडाल ने कहा, सन्यासी जी, सबसे बड़ा अपवित्र महाचांडाल तो क्रोध है, जिसने आपके अंदर प्रवेश करके मुझे छू दिया है, इसीलिए मैं अपवित्र हो गया हूं। जब तक मैं गंगा में स्नान नहीं करूंगा, तब तक मैं पवित्र नहीं हो सकता। चांडाल की बात सुनकर सन्यासी जी का मुख लज्जा से नीचे झुक गया। चांडाल कहने लगा, महाराज, आपने मुझसे कहा अंधा है क्या? सचमुच जो अपने को ना देख केवल दूसरों को देखता है, वही अंधा होता है। जो खुद को देखता है वो अंधा नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने को ही कसौटी पर परखे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पाप दोषों से अपनी रक्षा करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसके सभी दुर्गुण निकल जाते हैं, तब वो वास्तव में सच्चा मनुष्य बन जाता है। जो मूर्ख मनुष्य क्रोध के उत्पन्न होने पर उसे दबा नहीं पाता, वो उस क्रोध का फल भोगता है। क्रोध सामने वाले को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से कई गुना अधिक क्रोध स्वयं का नुकसान करता है। ऐसा ही एक दृष्टांत मैं आपको और बताता हूं, ध्यान से सुनिए। एक महात्मा जी जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। महात्मा जी का स्वभाव बड़ा ही शांत प्रिय था, जिन्होंने क्रोध पर पूरी तरह से विजय पा ली थी। एक बार कुछ दुष्ट स्वभाव के लोगों ने महात्मा जी की शांति भंग करने के लिए, उन्हें क्रोध दिलाने के लिए प्रयास किया। एक बात बताऊं सज्जनों, संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें शांति पसंद नहीं, उन्हें आग लगाना ही अच्छा लगता है। अब महात्मा जी को क्रोध दिलाने के लिए दो लोग तैयार हुए। वे दोनों महात्मा जी की कुटिया पर गए और कहा, महाराज जी, जरा गांजा की चिलम तो लाइए। महात्मा जी ने कहा, भाई, मैं गांजा नहीं पीता। उन्होंने फिर कहा, अच्छा तो तमाकू लाओ। महात्मा जी ने कहा, मैं तमाकू का भी सेवन नहीं करता। तो भी लोग कहने लगे, तो फिर बाबा बनकर जंगल में क्यों पड़ा है ठगी करने के लिए? वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि वहां कुछ लोग और भी उन्हीं की तरह जमा हो गए। उनमें से एक ने कहा, अरे भाई, ये महात्मा आत्मा कुछ नहीं, बहुत बड़ा ठग है, चार बार तो जेल जा चुका है और मैं खूब जानता हूं इसे। जेल में मैं इसके साथ रहा, इसने वहां मुझे डंडों से मारा था, ये देखो चोट के निशान। तीसरा व्यक्ति बोला, अरे भाई, मैं इस पाखंडी को अच्छी तरह से जानता हूं, ये रात में वेश्याओं के साथ रहता है और दिन में बड़ा संत बन जाता है। सज्जनों, इस तरह से वे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भोले भाले महात्मा जी पर एक से बड़ा एक झूठ आरोप लगा रहे थे कि किसी प्रकार महात्मा जी को क्रोध आ जाए। लेकिन महात्मा जी को तनिक मात्र भी क्रोध नहीं आया। अब तो वे महात्मा जी के माता पिता को
और उनकी वेशभूषा को गाली देने लगी। बकते बकते सारा भंडार खाली हो गया। अंत में वे चुप हो गए। तब महात्मा जी ने हंसकर कहा, लो भाई, ये शक्कर की पुड़िया पानी में घोलकर पी लो, तुम बहुत थक गए होगे। महात्मा जी की मीठी आवाज सुनकर वह व्यक्ति महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका बड़ा अपराध किया है। हम लोगों के इतना अभद्र बकने पर भी आपको क्रोध कैसे नहीं आया? महात्मा जी बोले, भैया, जिसके पास जो माल होता है वो उसी को दिखाता है। यह तो ग्राहक की इच्छा है कि उसे ले या ना ले। तुम्हारे पास जो माल था तुमने वही दिखाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, परंतु मुझे तुम्हारा ये माल पसंद नहीं है। यह सुनकर वे दोनों बहुत लज्जित हुए। महात्मा जी बोले, याद रखो, दूसरा आदमी गलती करे और हम अपने अंदर आग जला दें, यह तो उचित नहीं है। कहते हैं, क्रोध करना और अपने बदन पर छुरी मारना बराबर है, ईर्ष्या करना और जहर पीना बराबर है। दूसरों की दी हुई गालियां और दुष्ट व्यवहार हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। महात्मा जी की बातों से भी सब लोग बहुत प्रभावित हुए। महात्मा जी कहने लगे, सुनो, नरक के तीन द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं, इन तीनों को त्याग देना ही चाहिए। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली ना दें, क्योंकि क्षमा करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म स्थानों पर आघात करता है, बांगवाणों से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाता है, ऐसे मनुष्य को मनुष्यों में महादरिद्र समझना चाहिए। वो अपने मुख में हर वक्त दरिद्रता और मौत को बांधे घूमता रहता है। सज्जनों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और सभी मित्रों में शेयर करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।